भाई सारे भाई ने मारक शीट फुकल लागे रे मारक शीट है भाई ये फुकल लागे रे के रसा बैठ गया तंग हो गए गणे तंग हो गए भाई दुखी हो गए हटा लो मारक शीट फुक दी रे मारक शीट फूक दी भाई मारक शीट डिग्री दिला लाग रे मारक शीट अपने ये बालक देख लो अरे इन दोरे के सारे डिग्री तेरे शिक्षा मंत्री दोरे के दसवीं फैल गई भी कोने आ रे छह दसवीं फैल गई फूक दी डिग्री फैल चेयरमैन साहब चाटो मारे यार अरे सुन ले कट्टर साहब एक बात और है 11 तारीख इन छोड़ा गई इन छोड़ी अगर ये अपने छोड़ा गई 11 तारीख ने फैसला हो जाना चाहिए ना तो महाभारत को होगी देख लियो लो भाई रे तुमने देखा भाई डिग्री फूक दी भाई ने रोनक भाई है भाई सके लावा भर रहा तेरे भीतर डिग्री क्यों फूक दी भाई करियर की कोई चिंता नहीं तने भाई पोटे तू एक बात बता तने वीडियो बनावे है तू सारे बड़का संघर्ष में रहवे है तने देखा भी होगा 2019 से लेके ना 2022 आली इस सरकार ने एक भर्ती करी हरियाणा पुलिस का हमने पेपर दे रखा है फिजिकल करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होली आज लगवा भर्ती कोर्ट में टिका रखी ये कागज मारे के काम के है भाई इन कागजन कड़ा दिखा दे हंडा नेट क्वालिफाइड हूँ मैं अच्छा। एक सब्जेक्ट में कड़ा लेके जाऊँ उसने कि ओड़ा जाऊँ तो ओड़ा सपरसंग हल्ला पड़े है तो मेरे कागज तो मैंने फूकने पड़ेंगे के कड़ा काम आऊंगे मैं आखिर में खेती करनी पड़ेगी या तो बात मानता होगा फुटे भाई है भाई है ना तो के करदा हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 से लेकर 2020 21 22 3 साल हो गए ओवर एज हो गया हम 25 तो ऊपर के हो लिए ये बेकार 25 तो ऊपर हो लिए होंगे आगे कोई भर्ती को नहीं आओगी या एक भर्ती तो हरियाणा पुलिस की इन पर पूरी नहीं हुई आगे कौन सी भर्ती सीटी का नाम ले लग गई सीटी भाई सीटी का अंडर लेके ना 9,888 पद सीटी का नाम लेके ना वो सारे वापस ले लिए गए फुटे 18 भर्ती कैंसिल कर दी गई कितनी 18 भर्ती नू कह के ना कि भाई इन नाम सीटी के थ्रू लेवांगे पर भाई 2020 में सीटी का विभाग बनाया गया था सीटी का पेपर नहीं सीटी के थ्रू पेपर लेवांगे 2020 से लेकर 2021 आएगी 2022 आएगी 2022 में आ गया तो इन पर पॉलिसी आई है पेपर और पॉलिसी के अंदर ना तो डेट दे रखी एग्जाम की ना उसके अंदर डिटेल सिलेबस दे रखा ना उसके अंदर नू बता रखा सी का पेपर नारा लेवांगे डी का पेपर नारा लेवांगे अगर रखा सोता अगर कॉमन पेपर लेगे तो अलग तक कंप्यूटर का सिलेबस नू क्या कह रखा है सी ग्रुप वाला अलग तक कंप्यूटर का सिलेबस इसका मतलब तो ये बना तम दो अलग अलग पेपर लेगे तो ये बालक उड़ जाके क्या तगेर रखे हैं उन कागज करा के हम पोटे तू ने कागज फूक दिए कागज कौन फूक कई भीतर फूकना पड़ रहा है मेरे वीर हंड हंड के बेरोजगारी में घर तक खर्चे लावा घर के भी तनु कह लगे भाई अगर नौकरी नहीं मिलती तो अपना कोई और धंधा देख लो सही बात है भाई कत्ता ही इन तक पूछ गए ठीक है भाई तुम बताओ भाई क्या मैं दोस्तों यह भर्ती 2019 की भर्ती है पोटे 2019 में सरकार बनी थी 2024 में दोबारा इलेक्शन है 2019 की भर्ती ये सरकार आई उससे पहले सीएम साहब ने ये कहा था हर साल 5,000 सिपाही भर्ती करूँगा आप ये बात वीडियो में देख लो कहीं न्यूज़ में पढ़ी है मीडिया में पढ़ी है कहा हर साल 5,000 सिपाही लगेंगे और 5,000 भर्ती 2019 में निकाली वही आज तक 5,000 लग भी ना लिए हैं लग गए भी ना 2019 20 21 22 आ गया था अरे 23 में करके और 24 में इलेक्शन इसी भर्ती पर जीत लेंगे अब 4 साल 20,000 पोस्ट बन गई 20,000 में तो 5,000 तो ये ले लेंगे के बराकत लेंगे लेकिन ले लेंगे हमने 24 ताई इतने नो लगा 5,000 बनेंगे हैं 5,000 लेके बाकी जो बच गए नहीं पोटे भाई 10-12,000 बच गए तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 12,000 होमगार्ड लेंगे अगर भाई कर्मचारियों की जरूरत है तो आप ये कॉन्स्टेबल की भर्ती क्यों नहीं करते पोस्टों को बढ़ाते क्यों नहीं ये 5,000 पूरी करके आप 15,000 का नोटिफिकेशन और निकाल दो ठीक बात क्यों नहीं निकाल रहे सोच रहे हैं अगर पे ना हो काम क्या काट दो भाई इकट्ठा होना पड़ेगा हम सरकार से फिर विनती करा 11 तारीख ने भगवान करे हमारा जो फैसला है आ जाए या जल्दी एक दो डेट में अर्ली रिंग हो जाए उस पर एक दो हफ्ते के अंदर मामला निपट जाए नहीं तो भाई लोग दोस्तों आप सभी को निगरना पड़ेगा तभी रिजल्ट आओगा नहीं रिजल्ट नहीं आओगा कदम फिर परसों इस भर्ती की 11 मई को इस भर्ती की तारीख है हाँ सुनवाई अगर 11 तारीख को सुनवाई में अगर कुछ नहीं हुआ ना तो फिर यो इस चेयरमैन साहब थी सरकार थी हम चेतावा हाँ और जगावा या बात का वहाँ फिर बेरोजगार का उद्घोष होगा अल्ला बोल होगा भाई तड़के सरकार या बैकफुट पर जान लग रही है एक भर्ती निकली है भाजपा जसपा जो गठबंधन सरकार है या गठबंधन की सरकार सिर्फ रुपया कमान खतर है ये इन बेरोजगार अगर नू गल है
मुख्यमंत्री ने क्या कहा था भाई प्राइवेट में हम 75% आरक्षण देकर ना कौशल निगम बना के नाम बड़का का भला कर देंगे। कौशल निगम नहीं बनाया, उस शोषण निगम बना दिया। उस शोषण निगम के थ्रू 30,000 तो तड़ तड़ की नौकरियां मैं हरियाणा वाले बाढ़ एलिजिबल है 30,000 तो तड़ तड़। अरे तम पीएन लाओगे गे चपड़ासी बनाने लग रहे हो, ये मैनेजर और ये कड़े जाओगे 30,000 की, उसके चक्कर में डोमिसाइल कमजोर कर दिया। डोमिसाइल की पहला 15 साल की एलिजिबिलिटी थी, ये 5 साल की कर दी। तो आस पास के जितने राजस्थान यूपी दिल्ली और पंजाब वो सारे सारी भर्तियां मां बड़े और महारा तो महारा तो काम कंप्लीट नहीं हो रहा भाई। यू काम कंप्लीट आ रहा है मतलब अगर हरियाणा में बड़का तो नौकरी ला नहीं पा रहे था मैं तो इनकी नौकरी बाहर आना ना लाओ। अरे राजस्थान का देख लो, यूपी का देख लो, पंजाब का देख लो, पंजाब जीके राजस्थान जीके और राजस्थान में राजस्थान जीके यूपी में यूपी जीके है हरियाणा में या एचसीएस की भर्ती जो ये कर रहे थे इसके अंदर एचसीएस जीके क्यों नहीं लाते के चक्कर है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि आप बेरोजगारी में सब तो ऊपर हाँ 34% की 34 लोग बेरोजगार है आज के टाइम पे 100 में से 34 लोग मतलब इतना बुरा हाल तो किसी में भी कौन है। इस सरकार का दोगलापन देख लो, हरियाणा में तो रुके की सीएमआई का आंकड़ा झूठा है और यूपी में 3.2 दिखा रही है बेरोजगारी। और रुकेंगे सीएमआई रिपोर्ट देखो सरकार ने कितनी नौकरी दे रखी है, दो जगह बीजेपी की सरकार है, इनका दोगलापन एक जगह तो के कम दूसरी जगह के कम है। ये भामा हरियाणा पुलिस वाले बालक हाँ ये मारे खतरी ने 3 साल हो गए कंडा ना भाई तारी भर्ती आज आ गया बच्ची पूरी नहीं करती थी कोर्टा में हो जाती है। तो कोटे में तेरी वीडियो के थ्रू इन बालका ने सारे ने मैं कहूँ भाई तारा में अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। अकेला हरियाणा पुलिस की भर्ती खाते नू ना सोच के चला करो भाई, हरियाणा पुलिस के नू ना सोच के चला करो, ये सीटी के बालक है नू ना सोच के चला करो, ये आईटीआई वाले नू सोचा करो, ये सारे बालक रोजगार है जो वो ही तरह सा है। आईटीआई वाले नारे इकट्ठे हुए हैं कलरक भर्ती वाले डिग्री वाले नारे या चीज सोच के हाँ जब बनेगा तो सारे बालक इकट्ठे होंगे ना, जब माहौल बनेगा जब इन बंगड़ भी जब आवेगा बढ़िया त्रिया भाई जब नू दिखेगा के नू सोच के चलेंगे नहीं सब इंस्पेक्टर वाले इन रिंगण दो ये कांस्टेबल वाले इन रिंगण दो सीटी वाले रिंगण दो ना या बात को नहीं बने सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए ना अगर आवाज उठाओगे ना तो सरकार तीन बात जाओगी। यू विपक्ष भी कमजोर हो रहा है, विपक्ष ने हमारा मुद्दा उठाना चाहिए था लेकिन हम बालक हैंड हैंड फिर करके सह रहे हमारे अलग अलग नेता ने पकड़ पकड़ के हमारी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हम फिर भी चाहो आगे भर्ती कुकरे कम्प्लीट हो जाए हमारी बेरोजगारी कुकरे या चली जाओ रोजगार मिल जाए घर बच जाए। ठीक है चलो ठीक भाई, इस भाई ने बढ़िया बताई। ओके भाई राम राम सारे भाई ने ये भाई थे।